नमस्कार दर्शकों, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और अब रुख करते हैं देश की प्रदेश की पांच बड़ी खबरों की ओर। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम ट्रेन हादसे में 233 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हादसा बालासोर के बहानगर बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे का है। रेलवे के मुताबिक कोलकाता चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस बहानगर स्टेशन के पास डिरेल हो गई थी। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पास के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई थी और इसके कुछ डिब्बे दूसरी पट्टी पर पड़ते। दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से जा करके टकरा गए। 655 का अंदर बानर स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज आया तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था वो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। अब की बार नौतपा के तेवर ठंडे हो रहे हैं। हर रोज मध्य प्रदेश में किसी ना किसी हिस्से में बारिश हुई है, ओले गिरे हैं और आंधी का भी दौर जारी है। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चक्रवात के एक्टिव रहने और ट्रफ लाइन के गुजरने की वजह से हुआ। शुक्रवार को सागर में बारिश हुई तो प्रदेश के कई शहरों में गर्मी का तेज असर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 3 जून से प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। इससे भोपाल उज्जैन समेत ग्वालियर चंबल भी जिले भीगेंगे। हालांकि सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन जून के दूसरे सप्ताह में फिर आंधी बारिश का दौर शुरू होगा और वही मानसून 20 जून तक प्रदेश में एंट्री कर सकता है। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन के मोड में आ गई और उसने अपनी कार्यप्रणाली चेंज कर ली है। चुनावों को लेकर पार्टी ने अभी तक किसी भी प्रकार की रणनीति का खुलकर खुलासा नहीं किया लेकिन शुक्रवार को पार्टी की गतिविधि काफी संकेत दे दिए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी तैयारी में भाजपा का एक्शन प्लान क्या चल रहा है। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से की है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़कर 25,000 मत प्राप्त करने वाले गौरव सन्नी महाजन के घर रात में लगभग 8:30 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेता सहस्त्र बुद्धे और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवी पहुंचे और काफी देर तक उनसे चर्चा भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को इंदौर के राजनगर पहुंचे और बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने महिलाओं के परिजनों से चर्चा की। मुख्यमंत्री यहां शशि और पिंकी यादव को लाडली बहना के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस दौरान बहनों ने भी उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। रहवासी चित्रा जुजारे ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रदेश के मुखिया इस तरह घर आकर उन्हें सौगात देंगे। सीएम ने कहा कि 1,000 रुपए महीने की राशि 10 जून से मिलना शुरू हो जाएगी। 10 जून को आपके खातों में 1,000 रुपए जमा हो जाएंगे। ममता बगारे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर आने पर गाना गाते हुए गुजारिश की कि भैया मेरी छोटी बहन को ना भूलाना। गाना गाते हुए भावभोर ममता की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन आंसू मत बहाना, ऐसे आत्मीय दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने भी गाना गाते हुए कहा कि 1,000 में मेरी बहना है। और अब वक्त है पंच में आखिरी खबर का, जहां उड़ीसा के बालासोर में भयावह रेल हादसे के बाद देशभर में बेचैनी का माहौल है। हर किसी को अपने प्रियजन के सलाम मती की चिंता सता रही है तो वही हादसे को लेकर सत्ता में भी काफी हलचल देखी जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी भी शुरुआत हो चुकी है और रेल मंत्री से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। ट्रेन हादसा सामने आने के बाद राजनीतिक दल और राजनेता जहां एक तरफ हादसे पे दुख जता रहे हैं तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दल उनके इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा तो वहीं इससे पहले सीपीआई सांसद बिनोय विश्रम ने कहा कि इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश प्रदेश की 5 बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।